गुड इवनिंग एवरीवन, आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ डेटा पॉइंट को डिस्कस कर ले। तो कैश का डेटा देखें तो FIs नेट बायर है, लगभग 1000 करोड़ के आसपास इन्होंने कैश में बाइंग की है। वहीं DIs की बात करें तो आज ये नेट सेलर है, 333 करोड़ के आसपास इन्होंने कैश में सेलिंग की है। अगर हम डेरिवेटिव का डेटा देखें तो यहाँ आपको दिखेगा जो क्लाइंट है वो शॉर्ट कवरिंग कर रहे थे, लगभग 9000 के आसपास पोजिशन इन्होंने क्लोज की है, थोड़ी बहुत लॉन्ग की पोजिशन यहाँ पर इन्होंने क्रिएट की है। यहाँ पे DIs की कोई खास एक्टिविटी नहीं है, FIs की भी कोई खास एक्टिविटी नहीं है, लगभग 6000 के आसपास इन्होंने शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट किया प्लस थोड़ी बहुत लॉन्ग के पोजीशन को क्लोज किया है। अगर हम बात करें प्रॉप डेस्क की तो यहाँ पे इन्होंने लगभग 3000 के आसपास अपने शॉर्ट के कॉन्ट्रैक्ट को क्लोज किया प्लस 1900 के आसपास लॉन्ग के कॉन्ट्रैक्ट को क्लोज किया। तो टोटल अगर हम OI का चेंज देखें तो लगभग 5700 के आसपास पोजीशन क्लोज की गई, मार्केट फ्लैट क्लोज हुई। तो हम इसे शॉर्ट कवरिंग मानेंगे बट हम इसे एक न्यूट्रल सेंटीमेंट लेके चलेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्टिविटी हमें फ्यूचर के अंदर देखने को नहीं मिली। अगर हम ऑप्शन के डेटा की बात करें तो ऑप्शन के अंदर कोई भी पोजीशन कैरी फॉरवर्ड नहीं की जा रही है। मैंने आपको कल बताया था कि यहाँ पे कोई बड़ा प्लेयर है जो 19500 की कॉल राइट कर रहा था, वो पोजीशन क्लोज कर दी गई और आप देख सकते हैं काफ़ी मैसिव प्रॉफिट में वो पोजीशन क्लोज की गई। अगर हम डेटा पॉइंट का कंक्लूजन निकालें तो कैश का डेटा अगर हम देखें तो थोड़ा हमें पॉजिटिव सेंटीमेंट दे रहा है, बट ओवरऑल अगर हम देखें तो ये जो कैश में बाइंग की गई है ये आपके नॉर्मल स्टॉक्स में बाइंग की गई है और जो सेलिंग थी वो हैवी वेट के अंदर सेलिंग देखने को मिली। तो आप वहाँ पे जाके निफ्टी 50 के सारे स्टॉक्स को देख सकते हैं, आपको ये देखने को मिलेगा कि हैवी वेट्स के अंदर सेलिंग की गई है और नॉर्मल स्टॉक्स के अंदर बाइंग की गई है। अगर हम यहाँ पे फ्यूचर का डेटा देखें तो इसे हम न्यूट्रल लेके चलेंगे, कोई हमें यहाँ पे लाइक एक कॉन्क्रीट सिग्नल नहीं मिल रहा है। ऑप्शन का डेटा भी हमें एक न्यूट्रल सेंटीमेंट शो कर रहा है, तो मेजोरिटी डेटा पॉइंट का जो व्यू है वो न्यूट्रल की तरफ है। तो अकॉर्डिंग टू डेटा पॉइंट जो मार्केट है वो साइडवेज रहने के चांसेस है, तो ऐसा हो सकता है कि मार्केट कल जो है वो साइडवेज रहे। बट हम कोई भी ट्रेड सिर्फ डेटा पॉइंट के बिहाफ पे नहीं लेते, हम प्राइस एक्शन को ज़्यादा वेटेज देते हैं। तो चलिए प्राइस एक्शन पे चल के देखें हमें चार्ट क्या सजेस्ट कर रहा है और हमने कल क्या डिस्कस किया था। तो निफ्टी में हमने डिस्कस किया था कि निफ्टी के अंदर अगर हमें मान लीजिए कि कोई यहाँ पे एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी मिलता है तो हम शॉर्ट का ट्रेड इनिशिएट करेंगे, हम लॉन्ग का ट्रेड नहीं लेंगे। तो यहाँ पे एक स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ होगा, देन आफ्टर सेकंड इसके बाद फिर स्टॉप लॉस ट्रिगर होने के बाद फिर यहाँ पे टारगेट देखने को मिला। हमने ये डिसाइड किया था कि ये स्विंग ब्रेक होने के बाद हम यहाँ पे शॉर्ट का ट्रेड लेंगे, 20 से 25 रुपये का स्टॉप लॉस रखेंगे और 1:2 के लिए प्लान करेंगे। तो इनिशियली ये आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ होगा, देन आफ्टर फिर वापस से ये ब्रेक किया और मोमेंटम में ये टारगेट देखने को मिला, फिर सेकेंड हाफ में मार्केट ऊपर को आके क्लोज हुआ। तो अगर अब हम प्राइस एक्शन को देखें प्लस अगर हम यहाँ पे प्राइस एक्शन को देखें तो आपको ये देखने को मिलेगा कि 19600 जो है ये एक बहुत अच्छा बेस का काम करेगा, 600 620, और ऊपर में अगर आप एक ऑप्शन राइटर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जैसा हमने पहले डिस्कस किया था कि ये सारे रेजिस्टेंस का काम करेंगे तो इतना आसान नहीं होगा इन लेवल को ब्रेक करना। तो यहाँ पे सारे जो है ये राइटर्स आपके बैठे होंगे 19700 पे, 19800 पे, मीन्स कि ऊपर में ये जो लेवल है ये हर्डल का काम करेगा। तो डेटा पॉइंट भी हमें सजेस्ट कर रहा है कि मार्केट में वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। तो जब तक इसके ऊपर ये क्लोज नहीं करता है, लाइक इसके ऊपर निकलता नहीं है और एक हमें प्राइस एक्शन देखने को नहीं मिलता है, तब तक हम लॉन्ग के साइड का ट्रेड यहाँ पे नहीं लेंगे। और जब तक ये लेवल नीचे में ब्रेक नहीं होता और यहाँ पे हमें एक प्राइस एक्शन देखने को नहीं मिलता, हम तब तक शॉर्ट के साइड का ट्रेड नहीं लेंगे। तो हम कोशिश करेंगे कि हम इंडेक्स को कल अवॉइड करें क्योंकि यहाँ पे एक वॉलेटिलिटी होने की चांसेस है और निफ्टी कोशिश करेगा इस रेंज के अंदर ट्रेड करें। बट अगर ट्रेड लेना है तो फिर हम यहाँ नीचे का जो है पुट वो शॉर्ट कर सकते हैं और ऊपर का यहाँ पे कॉल शॉर्ट कर सकते हैं और डे एंड में हमें जो भी यहाँ पे प्रीमियम डिके का जो बेनिफिट मिलेगा हम वो लेके बाहर हो सकते हैं। अगर निफ्टी फ्लैट खुलता है तो, अगर बहुत बड़ा गैप अप खुलता है तो हम ये अवॉइड कर देंगे, बट अगर फ्लैट खुलता है तो फिर यहाँ का हम आपका यहाँ का कॉल शॉर्ट कर सकते हैं और यहाँ का पुट शॉर्ट कर सकते हैं। अगर हम बात करें बैंक निफ्टी में तो बैंक निफ्टी में बहुत अच्छा ट्रेड देखने को मिला और काफ़ी अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे हमें देखने को मिला। बैंक निफ्टी में भी हमने डिस्कस किया था कि बैंक निफ्टी भी अगर ये स्विंग ब्रेक करता है तो फिर हमें एक अच्छा मोमेंटम नीचे देखने को मिल सकता है। तो ये जो लेवल था ये आपका 850 का था कि 850 के नीचे बैंक निफ्टी निकलता है तो हमें एक अच्छा ट्रेड देखने को मिल सकता है और काफ़ी अच्छा मोमेंटम में प्राइस एक्शन बना के काफ़ी अच्छा यहाँ पे टारगेट देखने को मिला। देन आफ्टर ईयर स्लोली एंड स्लोली ऊपर के एंड पे क्लोज किया, प्लस मैंने जो शॉर्ट्स डाला था वहाँ पे भी मैंने डिस्क्राइब किया था कि अगर बैंक निफ्टी 850 के नीचे निकलता है तो हमें 45650 तक का टारगेट देखने को मिल सकता है जो कि इजीली अचीव हुआ। देन आफ्टर हमें यहाँ से एक बाउंस देखने को मिला, काफ़ी अच्छा रिकवरी था। तो मैंने ये 45000 आपका 45600 का टारगेट इसलिए डिफाइन किया था क्योंकि ये एक करेक्शन के अंदर आ रहा था, ट्रिपल करेक्शन में। तो मैंने इस पूरे मूव को WXYZ के नेचर में कंसिडर किया था, तो यहाँ से यहाँ तक का जो मूव था इसे मैंने W कंसिडर किया था, जो मैंने पहले भी डिस्कस किया है। ये जो मूव था ये आपका X का मूव था, यहाँ पे Y का मूव था, देन ये आपका XX बना और देन आफ्टर ये Z बना। तो जनरली होता क्या है कि जब भी आप ये टारगेट को प्रोजेक्ट करना है आपको कि Z का लेंथ क्या होगा,
तो जेड जनरली आपका तीन मूव में आता है, मैं काफ़ी बार ये डिस्कस किया हूँ। तो मैं भी यहाँ पे शॉर्ट बैठा था और यहाँ पे मैं कंटिन्यूसली पुट ऐड किए जा रहा था जब ये ऊपर को आ रहा था, तो मुझे पता था कि ये आपका 709 का लेवल मेरा टारगेट था, 709, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का जब लेंथ आप कैलकुलेट करेंगे, ये लेंथ आपका जो आपका डब्ल्यू का लेंथ होता है वही लेंथ आपका यहाँ पे जेड का होता है, तो आप कैलकुलेट करेंगे तो उस हिसाब से 709 का टारगेट आ रहा था, जो अचीव होने के बाद मैंने यहाँ पे अपना पोजीशन स्क्वायर ऑफ किया। देन आफ्टर ये 655 के आसपास का लो लगा के फिर यहाँ से बाउंस किया। ये आपका वेव थर्ड का भी सपोर्ट था तो इस वजह से ये लेवल ब्रेक नहीं हुआ। बट कल के लिए हमारा क्या प्लान ऑफ एक्शन होगा, तो हम देख सकते हैं कि हमें यहाँ से एक शार्प सेलिंग देखने को मिली है। इट मीन्स कि 46,000 एक अच्छा यहाँ पे रेजिस्टेंस का काम करेगा, और नीचे में यहाँ पे जहाँ से ये बाउंस किया 45,600 के आसपास का लेवल, ये बहुत अच्छा सपोर्ट का काम करेगा। तो बैंक निफ्टी अगर फ्लैट खुलता है, इस रेंज में कहीं पे भी खुलता है, तो हम इंडेक्स में ट्रेड अवॉइड करेंगे कल के लिए। हम ये कर सकते हैं कि हम यहाँ 46,100 का कॉल यहाँ पर शॉर्ट कर सकते हैं, और नीचे में हम 45,600 का ये सारे हम पुट शॉर्ट कर सकते हैं। और क्योंकि जब यहाँ पे वॉलिटिलिटी होगी ऊपर आएगा तो यहाँ हमें यहाँ से एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा, और नीचे आएगा तो यहाँ से हमें एक बाइंग देखने को मिलेगा। तो डे एंड में जो भी हमें प्रीमियम डीके यहाँ पे मिलेगा हम वो लेके ट्रेड से एग्जिट हो जाएंगे। मैं यहाँ पे कोई भी डायरेक्शनल ट्रेड लेना प्रेफर नहीं करूँगा कल के लिए, रीजन बिंग क्योंकि यहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट है और ये एक अच्छा रेजिस्टेंस है, और प्लस जो डेटा पॉइंट है वो भी हमें सजेस्ट कर रहा है कि मार्केट में हमें एक वॉलिटिलिटी, एक साइडवेज मार्केट देखने को मिल सकता है। तो ये हमारा बैंक निफ्टी में प्लान ऑफ एक्शन होगा। अगर इन केस बैंक निफ्टी बहुत बड़ा गैप डाउन खुल जाता है, अगर मान लीजिए ये गैप डाउन खुला और इसको ब्रेक करता है, तो फिर हम एक मोमेंटम में ट्रेड ले सकते हैं। तो यहाँ पे ये ब्रेक करेगा तो हम ज़्यादा यहाँ पे प्रॉफिट एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि 500 फिर एक राउंड लेवल हो जाता है। तो यहाँ आने के बाद हम मोमेंटम में इस ट्रेड को कैप्चर करके निकल जाएंगे, या फिर अगर मान लीजिए ये यहाँ पे गैप अप खुलता है, थोड़ा गैप अप खुल के अगर ब्रेक करता है, तो फिर हम 46,000 तक के लिए प्ले कर सकते हैं। बट ये थोड़ा रिस्की होगा, सेफ हमारे लिए ये होगा कि बैंक निफ्टी अपने को फ्लैट कल देखने को मिले। तो चलिए देखते हैं कल कहाँ ओपनिंग होती है, फिर उसी हिसाब से हम ट्रेड प्लान करेंगे। कल के लिए बेस्ट होगा अगर हम स्टॉक्स की बात करें, तो स्टॉक अगर हम देखें तो जो पहला स्टॉक चार्ट पे अच्छा लग रहा है वो मंगलम सीमेंट। आज पूरे सीमेंट सेक्टर में एक बहुत अच्छा बाइंग मोमेंटम देखने को मिला। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कंटिन्यूसली ये डाउन मूव में आ रहा था लोअर लोज के फॉर्मेशन में, और यहाँ एक डबल बॉटम का फॉर्मेशन होकर इसके ऊपर डिसाइसिवली क्लोज हुआ है। तो कल अगर ये फ्लैट खुलता है या फिर अपने को ये 304 के ऊपर देखने को मिलता है, 304 के ऊपर निकलता है, तो हम एक बार लॉन्ग कर सकते हैं। यहाँ पे 2.5 से 3 रुपये का स्टॉप लॉस रखेंगे और 1:2 के लिए हम प्लान करेंगे। कैश का स्टॉक है, आपको पता है मैं हमेशा डिस्कस करता हूँ कि ये मोमेंटम जो कैश का स्टॉक होते हैं वो काफ़ी अच्छा मोमेंटम कर देते हैं, तो हमें 3-4% ईजिली देखने को यहाँ पे मिल सकता है। नेक्स्ट स्टॉक की बात करें तो मोतीलाल ओसवाल, आप सबको ये स्टॉक याद होगा, हम पोजिशनली इसे 650 के लेवल से कैरी कर रहे हैं, और जो हमारा टारगेट है पहला वो 807 का है, और देन आफ्टर जो सेकंड टारगेट है वो 38% का है, जो कि आपका 896 के आसपास का टारगेट है। तो स्लोली एंड स्लोली हमें एक अच्छा प्रॉफिट यहाँ देखने को मिल रहा है। तो कल अगर ये फ्लैट खुलता है और 785 के ऊपर निकलता है, तो हम एक बार वापस से इसे लॉन्ग कर सकते हैं इंट्राडे के अंदर। नीचे में हम 4 रुपये का स्टॉप लॉस रखेंगे और 1:2 के लिए हम इस ट्रेड को प्लान करेंगे। नेक्स्ट स्टॉक देखें हिंडाल्को, यहाँ पे भी एक अच्छा ब्रेकआउट पे ये दिख रहा है, यहाँ से कंटिन्यूसली हमें सेलिंग देखने को मिला, यहाँ से एक बार सेलिंग देखने को मिला, ये दूसरी बार सेलिंग देखने को मिला, ये तीसरी बार यहाँ से हमें सेलिंग देखने को मिला, और प्राइस वापस से रिकवर करके इसी रेंज पे ट्रेड कर रहा है। तो कल अगर ये 450 के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट करता है, तो हमें एक अच्छा यहाँ पे मोमेंटम देखने को मिल सकता है। रीजन बिंग ये आप देख सकते हैं कि प्राइस यहाँ पे हॉल्ट कर रहा है और जो लो है वो कंटिन्यूसली ऊपर को शिफ्ट होता जा रहा है, तो हमें एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो 450 के ऊपर हम इसे लॉन्ग करेंगे, 2.5 से 3 रुपये का स्टॉप लॉस, 1:2 के लिए प्लान करेंगे। शॉर्ट के लिए हम बैंक ऑफ बड़ौदा देखेंगे, यहाँ पे एक हमें सेलिंग प्रेशर देखने में मिल सकता है अगर ये इस रेंज को तोड़ता है। हमने यहाँ पे भी डिस्कस किया था कि अगर ये इसके नीचे निकलता है तो हम शॉर्ट करेंगे, बट गैप अप खुला और गैप अप खुलने के बाद आप देख सकते हैं कि एक डोजी टाइप का कैंडल हमें यहाँ पे देखने को मिला। बट कल अगर ये 195.50 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करता है, तो हमें एक अच्छा सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है, 1.5 से 2 रुपये का स्टॉप लॉस, और 1:2 के लिए हम इसको प्लान करेंगे। और राइट फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और मैं हर दिन सुबह 11:06 पे शॉर्ट्स अपलोड करता हूँ। मतलब कि शॉर्ट्स तो मैंने अभी बना लिया, बट मैं 11:06 पे उसे शेड्यूल करता हूँ, तो आप उस शॉर्ट्स को ज़रूर देखें, आपको वहाँ से एक अच्छा ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप अर्निंग।